नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको दसवां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आज दसवें अध्याय में है भक्त ध्रुव की तपस्या से प्रश्न होकर भगवान द्वारा दर्शन एवं वरदान देना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सातवना देकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका ध्रुव ध्यान कर रहा था। जिस रूप का ध्रुव ध्यान कर रहा था भगवान जी ने वही रूप रखा। तत्पश्चात वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। उस समय ध्रुव ने अपने नेत्र बंद किए श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हो रहा था कि उसे श्री नारायण जी के आगमन का भी कुछ बोध नहीं हो सका। उसे जब नारायण भगवान जी उसके सामने आए तो इतनी भक्ति में लीन था कि उसे भगवान के आगमन का भी कुछ भी बोध नहीं हुआ। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। जिस स्वरूप का वो ध्यान धरा था श्री नारायण भगवान ने उस रूप को उसके स्वरूप से खींच लिया। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा, जब ध्रुव ने अपने मन से उसको नहीं देखा, उस स्वरूप को नहीं देखा, तो उसने घबरा कर अपनी आँखें खोल दी। आँखें खोलते ही उसने देखा कि जिस प्रभु की वो तपस्या कर रहा था वह साकार रूप से उसके सम्मुख उपस्थित है। तब ध्रुव ने उन पर ब्रह्मा परमेश्वर की परिक्रमा करके चरण वंदना की और स्नेह पूर्वक उनकी ओर देखने लगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखने लगा। ध्रुव की ऐसी दशा देखकर अंतर्यामी परमेश्वर ने यह जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है कि जो वह मेरी स्तुति कर सके, मुझे प्रणाम कर सके। ध्रुव को इतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि वो 5 वर्षीय बालक था। यह देखकर उन्होंने अत्यंत कृपा कर ध्रुव के मुख से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उन ध्रुव के मुख से करा दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान एवं बुद्धि का प्रकाश भर गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश भर गया। तब उसे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई जिससे वह प्रभु की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी पर आपकी कृपा न हो तब तक वह आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता है। जब तक आपकी कृपा न हो तब तक वह आपके चरणों का दास नहीं बन सकता है। ब्रह्मादिक देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। आप तीनों लोगों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले हैं। ध्रुव की विनती सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः तू वरदान मांगे। सुनकर ध्रुव बोला, हे भगवान, अब मुझे आपके चरणाबिंदों का दर्शन प्राप्त हो गया है। फिर मांगने के लिए और क्या शेष रहा है। मैं तो सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी इसलिए तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को वापिस जा और तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठा कर तपस्या के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को
शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा उस समय हम तुझे रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुव लोक में स्थान देंगे। वहां तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मनुष्य नहीं, हम अपने अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण की जय जयकार तथा ध्रुव की प्रशंसा की। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वरदान देने के बाद श्री नारायण जी ब्रह्मलोक को चले गए तथा पवन पुनः पूर्ववत बहने लगी तथा तीनों लोगों के जीव सुखी हो गए। तब ध्रुव भी अपने घर को चल दिया। उसी राजा से कहा हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव प्रभु के दर्शन कर वापस आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, अतः उसे आदर पूर्वक घर लेवा आओ। नारद जी के वचन सुनकर राजा उत्तानपाद हृदय में बहुत प्रश्न हो ध्रुव को लेने के लिए चल दिए। नगर की प्रजा ने जब यह सुना कि ध्रुव जी नारायण जी के दर्शन पाकर वन से लौट आए हैं तो वे सब लोग भी ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए वहां गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उस समय ध्रुव जी जटा बांधे तथा भस्म रमाए हुए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए तथा उनको प्रणाम करने लगे। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया तथा अपने आंसुओं द्वारा उनके मुख को धो दिया। ध्रुव जी ने छोटी रानी को आदर देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे कहने के कारण मैं वन को गया था। वहां प्रभु का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सभी मनोरथ की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद ध्रुव ने अपनी माता सुनीति को दंडवत करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने साथ हाथी पर बिठाया और याचकों एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे राजभवन में ले आए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कुछ समय बाद जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने योग्य हो गया है, इसलिए इसे सिंहासन सौंपकर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और ये आधा अध्याय कल सुनाऊंगी।